रोबो कॉम्बैट सेट की अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। ये रोबोट मुक्का भी मार सकता है। इसके अंदर हम लोगों को दो रोबोट्स मिलते हैं और दोनों ही रोबोट जो है बहुत जोर के पंच वगैरह भी लगा सकते हैं। आज मैं इन रोबोट्स की फाइट कराऊंगा। ये रहे मेरे पास कुछ प्रोग्रामेबल रोबोट्स, ये भी बहुत अच्छी तरीके से फाइट वगैरह कर सकते हैं। ये है डिस्क थ्रोइंग रोबोट, ये अपने मुंह से डिस्क वगैरह फेंक सकता है। ये है मैक वॉरियर रोबोट, ये डार्ट वगैरह फेंक सकता है अपने चेस्ट के अंदर कैनन से। अभी ये तीसरा वाला रोबोट है, इसका नाम है हीरो कॉप रोबोट 2। ये अपने कंधे पर एक कैनन रखा हुआ है और यहाँ से ये डार्ट वगैरह फायर कर सकता है। चलो गाइस फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, फिर कराते हैं सभी रोबोट्स के साथ इसकी फाइट, देखते हैं ये कितने ज्यादा ताकतवर रोबोट्स है। लेट्स स्टार्ट। ये रोबोट मेरे को 2 महीने वेट करने के बाद में मिला यार। ये रोबोट की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। इसके अंदर हम लोगों को 2 मोड्स देखने को मिलते हैं, वर्सेस मोड एक है, दूसरा है चैलेंज मोड। अगर आप इस रोबोट को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर आपको व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसके बाद आपको ब्राउज प्रोडक्ट में जाना है, वहां पर इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चाहे तो ये कमाल के रोबोट को खरीद सकते हो। बॉक्स के अंदर से अभी मैं इसको निकालने वाला हूँ, देखते हैं पहले इनकी क्वालिटी कैसी है। दोनों के साथ दो दो रिमोट कंट्रोलर्स भी है, पर यहाँ पर मेरे को कहीं पे भी बैटरीज देखने को नहीं मिल रही है। मेरे को लग रहा है इसके अंदर कोई भी रिचार्जेबल बैटरी नहीं आएगी, तो पहले मैं इन रोबोट्स को यहाँ से निकाल लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको निकाला, देखो गाइस इसका पंच ऊपर की तरफ आ चुका है। कलर वाले रोबोट को भी यहाँ से निकाल लेते हैं। पैकिंग इन लोगों ने बहुत अच्छी कर रखी है ताकि रोबोट वगैरह डैमेज ना हो सके। इनके रिमोट्स को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा एक रिमोट, ये रहा दूसरा वाला रिमोट। फाइटिंग रोबोट है तो ऑब्वियसली बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड इसकी मेरे को लग रही है। यहाँ पर देखो एक वेपन भी लगा रखा है, इसके अंदर शायद मेटल उगा, ये हाथ बहुत ज्यादा भारी भरकम है। यहाँ पर इसके आईज है, ये इसका आर्मर हम लोग यहाँ से निकाल भी सकते हैं या फिर इसको लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पर इसके व्हील्स, यहाँ पर हम लोगों को 3 AAA बैटरीज डालनी पड़ती है। इसके अंदर भी 2 कलर्स यूज किए गए हैं, रेड एंड ब्लैक। पीछे की तरफ दोनों रोबोट्स बिल्कुल सेम टू सेम है। इसके अंदर भी सेम वहीं पर ही बैटरीज डालनी पड़ती है। पंच के 2 बटन है, लेफ्ट पंच, ये है राइट पंच। ये क्या है मेरे को पता नहीं है, ये तो इसको आगे पीछे मूव कराने के लिए शायद बटन होगा। रिमोट की क्वालिटी भी ठीक ठाक है। अच्छा, इसके अंदर IR सेंसर वाली टेक्नोलॉजी यूज की गई है। अभी मैं अनबॉक्स करने वाला हूं डिस्क थ्रोइंग रोबोट। दिखने में भी बहुत ज्यादा डेंजरस दिखाई देता है। फटाफट से चलो इसको भी मैं यहां से निकाल के आपको दिखा देता हूं। ये रोबोट बहुत ज्यादा भारी भरकम है, ऐसा लगता है कि इसको कंप्लीटली मेटल से बनाया गया है, पर एक्चुअली इसके अंदर प्लास्टिक ही यूज किया गया है। इस तरह का कटर लगाया गया है इसके हाथ में। यहाँ पर डायनासोर भी दिए गए हैं इसके बॉडी के अंदर। यहाँ पे इसका पावर ऑन ऑफ स्विच है पीछे की तरफ। यहाँ पर इसके अंदर बैटरीज वगैरह डालना पड़ता है। यहाँ पर इसके डिस्क है, डिस्क ऊपर की तरफ डालेंगे तो इसके डिस्क जो है यहाँ से यह शूट भी करता है, और इसके डिस्क बहुत ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। अभी इसका रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रोबोट को हम लोग ये रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। दिखने में एक छोटा वॉकी टॉकी जैसा रिमोट बना रखा है। इस रोबोट के अंदर मैंने बहुत सारी प्रोग्रामिंग भी चेंज की है ताकि ये अलग अलग तरीके से चल सके और अलग अलग टास्क भी कर सके। अभी ये मैक वॉरियर रोबोट को अनबॉक्स करते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं कि ये भी शूट वगैरह कर सकता है। इसके अंदर भी वेपन्स वगैरह दिए गए। चलो फटाफट से ये वाले रोबोट को भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये कंप्लीटली एक पुलिस का रोबोट है। इसकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा सॉलिड है और ये दिखने में भी बहुत ज्यादा यूनिक दिखाई देता है। इसके अंदर भी हम लोगों को बैटरीज वगैरह डालनी पड़ती है इसको ऑन करने के लिए। तो इसका रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, एक रोबोट के फेस जैसा इसका रिमोट बनाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे बटन से शूट वगैरह भी कर सकता है। इसके अंदर भी IR सेंसर देखने को मिल जाता है। अभी इसके डार्ट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे डार्ट्स मिलते हैं ऐसे वाले, तो ये डार्ट्स हम लोग इसकी बॉडी के अंदर लगाना पड़ता है। अभी मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ एक रियल हीरो रोबोट, इसको बोलते हैं हीरो रोबोकॉप 2। मेरे पास रोबोकॉप 1 भी है, ये हीरो रोबोकॉप 2 है। अभी मैं इसको अनबॉक्स करूंगा। आज देखते हैं ये हीरो रोबोकॉप कितना पावरफुल है। देखेंगे ये वाइकिंग रोबोट को आज हरा पाता है नहीं। इसके अंदर इस तरह का रिमोट मिल जाता है, बहुत ही स्लीक सा रिमोट है। इसके अंदर अभी IR सेंसर वाली टेक्नोलॉजी यूज की गई है। बहुत सारे बटन है, इसका मतलब ये कि ये रोबोट बहुत अलग अलग चीजें कर सकता है, और इसके अंदर मैंने प्रोग्रामिंग करके इसकी बहुत सारी चीजें ऐड भी कर दी है। ये रोबोट मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। ये आ चुका है हमारा हीरो रोबोकॉप 2, बहुत ही खतरनाक सा रोबोट। इसकी सबसे खास चीज मैं आपको बताऊं तो इसके कंधे के ऊपर एक कैनन भी लगा हुआ है, यहाँ से डार्ट्स वगैरह फायर कर सकता है। इसका हेलमेट हम लोग निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। कलर बहुत ज्यादा यूनिक है इस वाले रोबोट का, ब्लू एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में दिया गया है। यहाँ पर इसके हाथ है, ये कंप्लीटली मूवेबल है, ये हाथ भी कंप्लीटली मूवेबल है। पीछे की तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रिचार्जेबल बैटरीज पे चल जाता है। यहाँ पर इसके व्हील्स वगैरह दे रखे हैं। इन सभी रोबोट्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये तीनों रोबोट्स काफी बड़े साइज के हैं इन रोबोट्स के मुकाबले में। तो इनके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि ये पंच वगैरह मार सकते हैं दोनों के दोनों रोबोट्स। देखेंगे गाइस आज ये दोनों रोबोट्स मिलकर इन तीनों
रोबोट्स को हरा पाती है या नहीं। चलो दोस्तों अभी कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखते हैं आज कौन सा रोबोट जीतता है। लेट्स गो एंड फाइट। सबसे पहले वाइकिंग रोबोट को टेस्ट करने वाला हूँ गाइस मैं। ओ माय गॉड, बहुत अच्छे तरीके से पंच मार रहा है गाइस। देखो मैं जैसे ही बटन प्रेस कर रहा हूँ, लेफ्ट का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो लेफ्ट पंच मार रहा है। पंच इसके बहुत ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रहा है। ये बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये आगे की तरफ मूव कर रहा है और साथ में पंच भी लगा रहा है। यहाँ से इसको हम लोग टर्न वगैरह करा सकते हैं। बिल्कुल एक आरसी कार जैसा ही सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। इन दोनों के बीच में फाइट कराते हैं, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। वाइकिंग रोबोट ने धो के रख दिया है पूरी तरीके से ब्लैक रोबोट को यार। इसने तो 3-4 पंच में ही लुढ़का दिया है ब्लैक रोबोट को। एक और बार दोनों के बीच में फाइट कराते हैं, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। दोनों के बीच में घमासान सी फाइट चल रही है। वाइकिंग रोबोट का आर्मर भी टूट चुका है। ब्लैक रोबोट यहाँ पे बहुत गुस्से में लग रहा है मेरे को, ये मारे जा रहा है। ब्लैक वाले रोबोट ने वाइकिंग रोबोट का आर्मर तोड़ के रख दिया यार। दोनों के बीच में सेम पावर दी गई है, दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर टेस्ट करते हैं इंटेलिजेंट डिस्क थ्रोइंग रोबोट को। पावर ऑन कर दिया मैंने इसको। इसके बॉडी के अंदर डायनासोर दौड़ लगा रहे हैं। इसका हेड 60 डिग्री राइट 60 डिग्री लेफ्ट को टर्न हो सकता है। अभी इसका पावर टेस्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से डिस्क वगैरह थ्रो कर सकता है। ये अपने मुंह से डिस्क यहाँ से थ्रो कर रहा है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्क तक नजर नहीं आ रही है। ऊपर की तरफ देखो यहाँ पर इस तरह का सिस्टम बनाया गया है। इसके डिस्क धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती है, पीछे से डिस्क को थ्रो करता है। इस वजह से डिस्क जो है इसके मुंह से बहुत तेजी से बाहर की तरफ आती है। इस इंटेलिजेंट रोबोट को भी हम लोग चारों डायरेक्शन में चला सकते हैं और बिल्कुल ये एलियन जैसा ही डिजाइन किया गया है। अभी वॉरियर रोबोट को टेस्ट करके देखते हैं। ये रोबोट स्टेप बाय स्टेप चल सकता है और ये टर्न भी ले सकता है। अब इसके डार्ट्स कितने पावरफुल है ये टेस्ट करके देखते हैं। शूट का बटन मैंने प्रेस कर दिया है। इसका ड्रम गोल गोल घूम रहा है और इसके अंदर से डार्ट्स निकल रहे हैं। ये बहुत पावरफुल तरीके से शूट भी कर सकते हैं। डांस का बटन अगर हम इसके अंदर प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से माइकल जैक्सन वाला डांस भी करके दिखा सकता है। हीरो रोबोकॉप को भी टेस्ट करके देखते हैं। पहले तो इसको मैं हेलमेट हटा देता हूँ। इसके आइज बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मेरे पास जितने भी रोबोट्स हैं उन सभी में से ये रोबोट बहुत स्पीड से चल सकता है और ये बहुत रियलिस्टिक भी दिखाई देता है। अब इसकी कैनन पावर टेस्ट करके देखते हैं। इसके कंधे के ऊपर जो कैनन है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये एक साथ 3-3, 4-4 डार्ट्स फायर भी कर देता है। प्लैनेट बीबी बॉय रोबोट को भी टेस्ट करके देख लेते हैं। ये इसका मैकेनिज्म है। बॉल को बंद कर दिया मैंने, इसके ऊपर इसका सर लगा दिया है। इसका सर कोई भी डायरेक्शन में आप चला सकते हो। इसके जैसे 360 डिग्री कोई दूसरा रोबोट नहीं घूम सकता है। यहाँ पर फाइट होने वाली है वाइकिंग रोबोट ब्रदर्स और वॉरियर रोबोट के बीच में। देखते हैं गाइस यहाँ पर कौन जीतता है। फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। वॉरियर रोबोट ने ब्लैक रोबोट को नीचे गिरा के रख दिया है। अभी वाइकिंग रोबोट अकेला बचा हुआ है। ये इसके पैरों के ऊपर बहुत जोर से पंचेस मारे जा रहा था। इसके पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इसने वॉरियर रोबोट को नीचे गिरा के रख दिया है। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा गाइस। अभी देखते हैं वाइकिंग ब्रदर रोबोट्स मिलकर ये हीरो रोबोकॉप को हरा पाते हैं या नहीं फाइट में। यहाँ पे हीरो रोबोकॉप इसके ऊपर फायर भी कर चुका है पर ब्लैक रोबोट को कुछ हुआ नहीं। देखो गाइस दोनों रोबोट मिलकर इसके पैरों पर बहुत जोर जोर से मारे जा रहे हैं। उतने में ही यहाँ पे हीरो रोबोकॉप ने वाइकिंग रोबोट को नीचे ढकेल के रख दिया है और वाइकिंग रोबोट यहाँ पर गिर चुका है। ब्लैक रोबोट अभी भी ठीक ठाक है। ये हीरो रोबोकॉप के ऊपर बहुत ज्यादा पंचेस की बारिश किया जा रहा है। देखो गाइस इसके पैर इतने ज्यादा मोटे तगड़े कि इसने नीचे गिरा के रख दिया है ब्लैक रोबोट को। हीरो रोबोकॉप को हराना नामुमकिन मेरे को लग रहा है। इन दोनों रोबोट्स के बीच में अभी फाइट कराएंगे गाइस। देखते हैं दोनों में से कौन जीता है। हीरो रोबोकॉप 2 इसके मुंह के ऊपर अपने डार्ट्स फायर किए जा रहा है। देखो गाइस ये बोल रहा है कि मेरे ऊपर मत फायर करो वरना मैं भी तुम्हारे ऊपर डिस्क फायर कर दूंगा। ये भी धड़ाधड़ तरीके से डिस्क फायर करे जा रहा है। एक डिस्क जाकर इसके पावर ऑन ऑफ स्विच पर लग चुका है। इस वजह से यहां पे रोबोकॉप 2 नीचे गिर गया गाइस। पावर ऑफ होने के कारण क्लियरली यहां पर जीत चुका है अपना डिस्क थ्रोइंग रोबोट। अभी डिस्क थ्रोइंग रोबोट की फाइट कराऊंगा मैं बीबी प्लैनेट रोबोट के साथ। देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। बीबी प्लैनेट रोबोट बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। देखो गाइस ये तो इसके हाथ के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा था पर इसने एक पंच दे मारा और बीबी प्लैनेट रोबोट का सर निकलकर नीचे गिर चुका है। सबसे ज्यादा पावरफुल रोबोट है डिस्क थ्रोइंग रोबोट। इन सभी रोबोट्स के बीच में अभी लाइट टेस्ट करते हैं। पहले तो मैं बत्ती बुझा देता हूँ। वाइकिंग रोबोट्स के अंदर इनकी आंखों के पास बहुत सारी एलईडी लाइट्स दे रखी है। हीरो रोबोकॉप की आईज देखो कितनी ज्यादा ब्राइट नजर आ रही है। यहाँ पर वॉरियर रोबोट के अंदर तो यार ढेर सारी लाइटिंग दी गई है। सबसे ज्यादा अजीब चीज मेरे को लग रही है ये डिस्क थ्रोइंग रोबोट। देखो यार इसके पेट में भी इन लोगों ने बहुत सारी लाइट दे रखी है, इसकी आंखों में भी बहुत सारी लाइट दे रखी है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन सभी रोबोट्स में से कौन सा रोबोट पसंद है। चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है चंदन, युग पटेल, मुबशीर, रोहन, ललित, किशनदास, उबैद, अकबर, रवि, अजमीर। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।